नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। स्वागत है आपका नई सीरीज चाणक्य फॉर सक्सेस के पहले एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहता हूँ कि इस सीरीज को लाने में इतना ज्यादा विलंब हो गया, इतनी ज्यादा देर हो गई। मैं कुछ प्रोफेसर्स के साथ इस सीरीज के लिए काम कर रहा था, विचार विमर्श कर रहा था, जो कि अमेरिका में है, यूके की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, और उनके साथ बातचीत करने में, उनका समय लेने में काफी ज्यादा विलंब हो गया। इस विलंब के लिए मैं आपसे एक बार फिर क्षमा मांग रहा हूँ। दोस्तों, ये सीरीज बेस्ड है आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में लिखे गए सूत्रों पर। अर्थशास्त्र एक स्टूडेंट यानी कि एक डिसिप्लिन के लिए लिखा गया टेक्स्ट है। भविष्य में आप जो भी करना चाहते हैं, जिंदगी में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, आपका जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे आप कैसे अचीव कर सकते हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है, वो कैसे सुखमय हो, सफल हो, खुशहाल हो, इसके ऊपर आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में 6000 से भी ज्यादा सूत्र लिखे हैं। इस सीरीज को मैंने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ। हर भाग के ऊपर शायद 4 से 5 एपिसोड्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले मैं एक भाग के ऊपर सारे एपिसोड खत्म कर दूंगा फिर दूसरे भाग के ऊपर एपिसोड्स लाऊंगा। ऐसा ना करके ये सारे एपिसोड साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। जैसे कि आज का एपिसोड पर्सनल लाइफ के ऊपर होने वाला है, अगला एपिसोड प्रोफेशनल और उससे अगला फैमिली लाइफ के ऊपर होगा, और फिर उससे अगला एपिसोड दोबारा पर्सनल लाइफ के ऊपर होगा, क्योंकि जिंदगी में भी ये तीनों भाग जो हैं, हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ, एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, इंटरट्वाइंड होते हैं। तो आज पहले एपिसोड में बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट एंड प्लान योर डे। एक सफल और खुशहाल जिंदगी के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत रोजाना कैसे करनी चाहिए और दिन की प्लानिंग यानी कि योजना कैसे बनानी चाहिए। जहां तक दिन की शुरुआत करने की बात है, सुबह सोकर उठने की बात है, तो उस पर चाणक्य कहते हैं, ही द किंग शुड अवेकन टू द साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसको संगीत के वाद्यों की आवाज के साथ उठना चाहिए। Book 1, Chapter 19, Verse 21। अर्थशास्त्र की पहली किताब विद्या समुदेश एक किंग या फिर एक लीडर की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करती है। लीडरशिप स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एक महान लीडर कैसे बना जा सकता है, ये पूरी किताब इसी के बारे में है। अर्थशास्त्र के अनुसार लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करने का सबसे पहला कदम है दिन को ठीक तरीके से शुरू करना। और यहीं पर अर्थशास्त्र कहता है कि दिन की शुरुआत हमें मधुर संगीत की आवाज को सुनते हुए करनी चाहिए। अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य संगीत यानी कि म्यूजिक को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अनुसार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ज्यादा अच्छा माना गया है, लेकिन आप अपने स्वादानुसार अपनी पसंद का कोई भी म्यूजिक चुन सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दिन की शुरुआत संगीत के साथ करें। आपकी जब आंखें खुलें तो वो संगीत की आवाज से खुलनी चाहिए, वो मधुर संगीत होना चाहिए, ना कि अलार्म की कर्कश आवाज। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, इस पर चाणक्य लिखते हैं, ही शुड अवेकन टू द टीचिंग ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज द वर्क टू बी डन। उसको उठते ही राजनीति के विज्ञान और आज जो काम करने हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि सुबह उठते ही हमारा दिमाग शोर शराबे से भर जाता है और ये शोर शराबा पूरे दिन चलता है, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें उस दिन जो जो काम करने हैं, कार्य करने हैं और जो डिसीजंस लेने हैं, उनके बारे में कल्पना, चिंतन और अपने आप से चर्चा करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार डिसीजन लेना यानी कि निर्णय करना एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब भी हम एक डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को लेने में हम अपनी मेंटल एनर्जी यानी कि मस्तिष्क की ऊर्जा खर्च कर देते हैं। इसीलिए सुबह सुबह के वक्त जब हम सोकर उठते हैं उस समय हमारी मेंटल एनर्जी अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है, और यही वो समय है जब हमें अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या बड़े डिसीजंस हैं जो हमें उस दिन लेने हैं, उनके बारे में सुबह उठते ही सबसे पहले सोच लेना चाहिए। उठने के बाद और क्या महत्वपूर्ण काम है जो हमें करना चाहिए, एंड आफ्टर गोइंग अराउंड अ काउ विद हर काफ ही शुड प्रोसीड टू द असेंबली हॉल। गाय और उसके बछड़े के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उसे विधानसभा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अब इस सूत्र में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं।
गाय और उसके बछड़े के चारों तरफ घूमना और दूसरा असेंबली हॉल। हमारे इंडियन कल्चर में भारतीय संस्कृति में एनिमल्स और नेचर यानी कि पशुओं और प्रकृति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जहां तक बात है गाय और उसके बछड़े के चारों तरफ चक्कर लगाने की, तो यहां पर उसका कोई धार्मिक मतलब नहीं है, बल्कि चाणक्य के अनुसार ऐसा करने से हम नेचर का आदर करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है यानी कि आभार की अनुभूति आती है और वो हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को शांति प्रदान करती है। तो गाय और उसका बछड़ा यहाँ पर सिंबॉलिक है। असली मतलब ये है कि सुबह उठने के बाद हमें नेचर का आभार व्यक्त करना चाहिए, नेचर को फील करना चाहिए, नेचर को थैंक यू बोलना चाहिए। दूसरी चीज है इसमें असेंबली हॉल, जिसका हिंदी में मतलब होता है विधानसभा। तो ये उस जमाने की बात है और अर्थशास्त्र का मतलब होता है साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, इसलिए असेंबली हॉल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर आप असेंबली हॉल की जगह अपना ऑफिस, आपकी दुकान, बिजनेस, कॉलेज, स्कूल, जहां भी आप जाते हैं, जो भी आपका काम करने का स्थान है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में रात को सोते समय भी संगीत को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। ड्यूरिंग द थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट ही शुड गो टू द बेड टू द स्ट्रेन्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग द फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट्स। उसको रात्रि के तीसरे हिस्से में बिस्तर पर लेट जाना चाहिए और संगीत सुनते हुए चौथे और पांचवें हिस्से में सोना चाहिए। अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने जो टाइम दिए हैं वो इंडियन सिस्टम के प्रहर के हिसाब से हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, लेकिन आप अपना टाइम अपनी सुविधा अनुसार अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटें तो यह सुनिश्चित करें कि आप मधुर संगीत सुन रहे हों। जहां तक बात है कि आपकी नींद कितनी लंबी होनी चाहिए, उस पर चाणक्य कहते हैं 4.5 घंटे। चाणक्य के अनुसार नींद की लंबाई मैटर नहीं करती, बल्कि नींद की क्वालिटी मैटर करती है। नींद भले ही छोटी हो, लेकिन गहरी नींद होनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार रात को ज्यादा लंबा नहीं सोना चाहिए, और यदि रात की छोटी नींद आपके लिए काफी नहीं है तो चाणक्य कहते हैं कि आप दोपहर को 1:30 और 3 बजे के बीच एक से डेढ़ घंटे की पावर नैप यानी के झपकी ले सकते हैं। यदि आपको दोपहर को भी सोने का समय नहीं मिलता तो उसका भी उपाय चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया है। ड्यूरिंग 6th part of the day ही शुड एंगेज इन रिक्रिएशन एट हिज प्लेजर और होल्ड कंसल्टेशन। दिन के 6th हिस्से में उसको मनोरंजन यानी के दिल बहलाने का इंतजाम या फिर सलाह मशवरा करना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल के अनुसार यानी कि कॉलेज, स्कूल, ऑफिस से वापस आने के बाद ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने लिए अच्छे मनोरंजन का इंतजाम करें। अच्छे मनोरंजन से यहाँ पर मतलब है कि आप कोई अच्छी किताब पढ़ें या फिर अच्छा सा संगीत सुने। चाणक्य के अनुसार ये भी बहुत आवश्यक है कि आप अपना दिन खत्म करने से पहले अपने किसी समझदार मित्र, बड़े बूढ़े, अपने गुरु, बॉस, मेंटर, टीचर के साथ बैठें और अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल या फैमिली लाइफ की समस्याएं हो, उनके ऊपर विचार विमर्श करें, उनका डिस्कशन करें। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा करने से आपको नए आइडियाज मिलते हैं और आप अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद जब आप अगले दिन काम के लिए निकलेंगे तो आप और ज्यादा फोकस्ड होंगे और रेडी फॉर एक्शन फील करेंगे। अर्थशास्त्र में एक डेली यानी के दैनिक टाइम टेबल बनाने, डेली रूटीन बनाने के ऊपर भी बहुत 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 ज्यादा जोर दिया गया है। ही शुड डिवाइड हिज डे एंड नाइट इन टू डिफरेंट पार्ट्स इन कॉन्फॉर्मिटी विद हिज कैपेसिटी एंड कैरी आउट हिज टास्क। उसको अपने दिन और रात को अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांट लेना चाहिए और उसके अनुसार अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना यानी कि अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक है। वो ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति की क्षमता दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। कोई व्यक्ति दिन के समय ज्यादा प्रोडक्टिव होता है तो कोई व्यक्ति रात के समय, कोई वीकेंड्स पर ज्यादा प्रोडक्टिव होता है तो कोई वीकडेज में। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अपना डेली टाइम टेबल अवश्य बनाएं। इस टाइम टेबल में सिर्फ आपके कार्य यानी कि काम से जुड़ी ही चीजें ना हो, बल्कि आपकी पर्सनल, आपकी निजी और फैमिली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें भी जरूर होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ये टाइम टेबल समय के साथ चेंज भी होते रहना चाहिए, आपको इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। अर्थशास्त्र में चाणक्य मेडिटेशन को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए लिखते हैं।
अनविक्षिकी कीप्स द माइंड स्टडी इन डाइवर्सिटी एंड ब्रिंग्स अबाउट प्रोफिशिएंसी इन थॉट स्पीच एंड एक्शन। अनविक्षिकी दिमाग को आपदा के समय दृढ़ रखती है और विचार भाषा तथा कार्य में प्रवीणता लाती है। अनविक्षिकी का मतलब होता है साइंस ऑफ इंक्वायरी यानी कि आत्मविद्या या फिर सोल सर्चिंग। यहाँ पर आप इसको मेडिटेशन मान सकते हैं, जबकि मेडिटेशन अनविक्षिकी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, फिर भी आप इस सूत्र में अनविक्षिकी को मेडिटेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता पाने का सबसे पहला कदम है एक शांत दिमाग, अ काम एंड पीसफुल माइंड, और ऐसा आप मेडिटेशन से अचीव कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब आपका दिमाग शांत होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो आपके विचारों, भाषा और आपकी करनी यानी के एक्शंस में प्रोफिशिएंसी आती है यानी के प्रवीणता और कुशलता आती है, और उसके साथ साथ विविधता यानी के वैरायटी भी आती है। चाणक्य कहते हैं कि मेडिटेशन मैं कैसे शुरू करूंगा, क्या करूंगा, इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए आप बस मेडिटेशन करना शुरू कर दें। डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट आप शांत एकांत जगह पर बैठें और अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। मैं शांत हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं, अपने आप से ऐसा मन ही मन जाप करते रहें। एक महीने के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव चेंज महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे अर्थशास्त्र के कुछ सूत्र जो हमें बताते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में, निजी जिंदगी में सुधार कैसे लाएं, इंप्रूवमेंट्स कैसे लाएं। आने वाले एपिसोड्स में पर्सनल लाइफ के बारे में और भी ज्यादा बात करेंगे, लेकिन अगला एपिसोड होगा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।